बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक। गुजर गई ईद, रोज़े और जनाब खूब इंजॉय किया। आई होप आपने भी हमारे साथ खूब इंजॉय किया होगा। हमने पिंडी, इस्लामाबाद, भरी सारी जगह जहाँ जहाँ सैर की, आपको भी साथ साथ करवाए। आगे हम वापस घर और नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ जनाब ऊपर बहुत अच्छा मौसम होता है। कल मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े धोए बहुत ढेर सारे, जितना ढेर इकट्ठा करके लेके गया उसको धोया किया। और आज आ गया ऊपर, ये मैं लाई थी शूज़ अपने बॉयज़ के, इनके जोकर थे जब वहाँ हम छदर गए थे ना, तो वहाँ रात नाइट कैंपिंग की थी, वहाँ इन्होंने खेल खेल के बुरा हाल किया। ऊपर आई मैं ये रखने, तो ये इशफाक साहब अपने लगे हुए हैं जनाब नर्सरी में नए पौधे लगाने। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी सलाम जी। तुम्हारा प्यार करने वालों को, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दरअसल पिंडी से आए हैं, इनका बुरा हशर हुआ हुआ था, तो आज पानी शानी भी लगाया, कल भी लगाया था रात को। तो अब मैंने कहा जरा थोड़ी सी इनमें एक और एंट्री भी मार दें, खाली होते जा रहे हैं काफी। पीले हुए में ये देखे फूल, ये पत्ते पीले हुए में बेचारे बिल्कुल ड्राई हुए पड़े थे। चलें जनाब इशफाक साहब अपनी करते हैं नर्सरी को सेट बैठ, आप ये करें, हम अपना काम करें। ये बॉयज़ का शूज़ ये कहाँ ऊपर आ गई साथ में, ये देखें जनाब धो के इनको सही किया, नीट क्लीन, बुरा हाल कर दिया था इन्होंने जोगर्स का। और माली की दाश हो गई थी, ये देखें किधर चमकिया जी मिट्टू, मिट्टू जोनू इधर देखो नाराज। ये भी नाराज है जनाब, जाहिर है जन्ना ने पूरा एक हफ्ता इसको देखा ही नहीं, जन्नत भी उदास हुई थी। तो अभी जन्नत और बाकी आ चलेंगे स्कूल, तो उनके भी छुट्टी का टाइम हो रहा है, हम ये सेट करें और उसके बाद जनाब नीचे चल के अपने काम करें। और आप कर दें हमारे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो फिर इंशाल्लाह जो जो आज होगा आपके साथ सारा कुछ शेयर। फिर जनाब इशफाक साहब भी गए, अपना थोड़ा बहुत काम किया उन्होंने, ये गमलों में डाला हमने पानी इतनों में, अभी ये थोड़ा और सेटिंग करनी है अपनी सारी। ये देखे ना काफ़ी पूरा हफ्ता अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए हैं पौधे, उनको साफ़ करना, सफाई सफाई करनी है। मैंने तो जनाब अपने फ्लोर के नीचे कर ली थी सफाई, इशफाक साहब ने अपनी नर्सरी की सफाई करनी थी, मैंने कहा वो करें, लेकिन हो गया जन्नत और स्कूल का टाइम, तो जन्नत और को लेने चले गए हैं। तो ऊपर हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, धूप भी निकली है लेकिन हवा अच्छी चल रही है। तो मैंने ये अपने बॉयज़ के शूज़ ये सेट कर दिए, मैंने कहीं अच्छे से ड्राई हो जाए, तो अच्छे से ये ड्राई होते हैं जनाब। मैं चलो नीचे और जाके जन्नत और नहाते साथ, कहना मम्मा भूख लगी है, तो किकी इधर ही होगी, आज होगी किकी, किकी को जनाब मज़ा आ रहा है, बैठी रहे। तो हम चलते हैं नीचे चल के और जनाब करते हैं जन्नत और के खाने पीने का बंदोबस्त। और ये देखे मेरा धोबी कार्ड कल, ये देखे ओ लंबी लंबी लाइन, दले दले कुछ मैंने जो है वो अंदर चारपाई पे रख दी है। तो क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है, एकदम से अंधेरी आ जाती है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, तो चले जनाब चले और जाके खाना पीने का। वालेकुम अस्सलाम, आ गए जी, कैसा रहा पूरे हफ्ते डेढ़ के बाद स्कूल का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। लगता आप ही का अच्छा नहीं रहा, आप ही का अच्छा नहीं रहा, थक गए हैं के आ जाओ। इसलिए जनाब मैं आ गई थी जल्दी जल्दी नीचे, मैं ऊपर थी। ओए ओए मम्मा की जाओ उदास हो गई सी है, थक गए, लेटो दे पानी देती हूँ लेटो। तो मैंने कहा जनाब मैं जाके नीचे खाने पीने का करूँ, कि मुझे पता है मेरे काके थके हुए हैं, हालतें टाइट हुई हुई हैं, गर्मी से गर्मी है बहुत ज़्यादा। पंखा चला लो, पंखा चला के लेटो, तो फिर मैं अपने बेटे को पानी दूँ पहले कि खाना पहले? बिलेट ने छाल ने पानी पीने ने पीने, क्या कह रही है चक्कर आ रहे हैं अभी का जनाब? अभी तो मौसम आना है चक्करों वाला, अभी तो ये लो पानी पियो, पानी पियो, बैठो आप ठीक है। मैं राइस खाने, राइस गरम करूँ वही जो कल बनाए थे चलो वाले, क्यों ये चलो। ये मैंने आपके ये कपड़े इसी का दिए वो पहनो, और ये जो बाकी के अंदर रखो, आप भी तो सो गई हैं, वो देखे जनाब थकी हुई थी। मैं कह जाओ ना आपके लिए खाना गर्म करूँ, ये आप ही कभी उठाओ यहाँ से, आप अपने भी उठाओ ठीक है, और मैं ये भी ये आपको प्रेस कर दिए। तो आप कहाँ
प्लान बना रही हूँ जाने का। कहीं नहीं, किचन में जा रही हूँ। किचन में जाने का प्लान बना रही हूँ। ये जनाब मैंने खीरे भी काट लिए, राइस भी गर्म कर लिए, और इनकी है कि मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कैमरा ऑन होना ये बड़ी बन जाती है माशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिहाइंड द कैमरा ये आप क्या करती है। ये देखा ना, मैंने आपसे इसलिए कहा था, मैंने आकर कैमरा ऑन होने की देर होती है ये बड़ी मासूम बन जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी बिहाइंड द कैमरा या क्या हाल करती हैं। अभी तक इनका ना यूनिफॉर्म उतरा है, कब की आई मैं, ठीक है, और अभी ये इनकी मस्तियाँ हो रही हैं। अभी नहीं, अब यूनिफॉर्म समेटो नहीं तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। अब मैं उठी ना तो अब मैं वाकई में मारूंगी। समेटो सारा कुछ जल्दी से, यूनिफॉर्म समेटो, दस्तरखान लगाओ। ये जो ये दंत बोड़ी सी है ना, सताते हैं कसम से, ये हाल ही करती है। ये प्लेट ना ना साफ हुई तो मैं आपको पता है मेरा ये वाला थप्पड़ फिर आपको कैसा रसीद होगा। मम्मा आप ही खा लिए अचार खा रही है, ये दिन ना इनको बुखार हो गया ना तो इनको पता चलो। जल्दी जल्दी इसे फिनिश करो मम्मा, और आप हमें छोड़ के ना जाए। तो इशफाक साहब गए हैं, हमने दरअसल जाना है घर, वहाँ हो गई है फौत की, वो तो वहाँ जा रहे थे तो इन्हें कहा कि चलो इनको खाना खिला के तो फिर चलते हैं। ये इतनी देर में तो ट्यूशन चली जाएंगी, भाई इनके अभी सो रहे हैं तो ये बेचारे, इन बेचारों की ना, इन बेचारों की हड्डियाँ तोड़े बंदा है ना। जल्दी से फिनिश करो। देखो पापा भी खा गए चले गए, सैलड भी इतना सा रह गया, मेरी प्लेट भी साफ होने वाली है, बस एक मिनट फिर लेट गई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये जनाब गर्मी बहुत शदीद हो रही थी और ये सकंजगी जो हमारे बचपन की है हम पीते आ रहे हैं और आज भी पी रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें। यहाँ से हम लेके बहुत पीते होते थे, ये वाला ग्राउंड है जहाँ हम खेलते होते थे, ये भी और ये भी, वो देखें ये वो अभी तक वो पिंग वो स्लाइट है, ये सारी तो वही है। 30 साल से तो मैं इसे देख रहा हूँ, इस रेडी को सकंजगी लगाता है, ये लगाते हैं। और मेरी बेगम है समनाबाद में आए तो उसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा, इधर हम खेलते थे, ये पार्क था, ये हमारा कॉलेज था, ये स्कूल था। जाहिर सी जाना बात है, बचपन तो भी बचपन ही होता है ना। वैसे भी जो जो वक्त गुजरता जा रहा होता है वो आपके लिए इतना ही गोल्डन जो टाइम होता जा रहा होता है। अभी इशफाक साहब से मैंने कहा गर्मी शदीद लग रही है, ना भी लग रही हो तो मैंने कहा पीनी है तो यहाँ से हम सकंजगी पीते, बल्कि जन्नत कह रही थी हमें भी साथ ले जाएं, जैसे आपने देखा होगा ना शाल करती हमें ले जाएं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कह रहे हैं ये आप अफसोस के लिए जा रहे हैं या आप खाने पीने के लिए गए हैं, तो जनाब इसलिए मैंने कहा यहाँ से पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी आगे जी हमारे मग्गे सकंजवी के, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्यों सही है ना, ऐवी तो नहीं मैं कहती। देखे जनाब पीते हैं, बहुत ही मजे का ठंडा ठंडा। मजा आ गया, ऐसे ठंड पड़ती है अंदर आंतड़ियां पेट तक ठंडी हो जाती है, इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतनी मजे मजे की ठंडी ठंडी नेमतें बनाई हैं। चले इसको पिए और निकले फिर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सुकून आ गया। इतनी प्यास लग रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी ना, गर्मी फिर बहुत शदीद शुरू हो गई है। अभी तो अल्लाह खैर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी सुकून के गुजर गए और ईद भी, अभी तो अल्लाह खैर की पता लगेगा जब बड़ी ईद आएगी। ये शाह इशफाक साहब दे आए, मैं का पेमेंट दे के आए, अब चले जनाब चले दे। कितने का हो गया अब, 50 का। चलो जनाब चीनी भी तो 120-130 रुपए के लिए, 50 वैसे महंगा नहीं है, ज़बरदस्त है। चले कहाँ, 5 रुपए का था, मैंने 10 से स्टार्ट किया, 10 रुपए चले, 0 का इजाफा हुआ है, कोई बात नहीं।